मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम आपको रेडीमेड नेक बनाना बताएंगे कि इसको कैसे इजी मेथड से आप घर पे बना सकते हो। आप अक्सर मार्केट जाते हो, आपको ऐसी कुर्तीस मिल जाती हैं जिसमें ये नेक बने हुए होते हैं, और कुछ कुर्तियों में ऐसे कपड़े लगे होते हैं और कुछ कुर्तियों में पाइपिंग लगी होती है और कपड़े नहीं लगे होते हैं। तो आपको बताऊंगी कैसे आप घर पे ही बिना बुकरम के, बिना फ्यूज पेपर के, कैसे इजी और सिंपल तरीके से आप कैसे इसको स्टिच कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, इस कुर्ती की कटिंग मैंने इस नेक के अकॉर्डिंग की है, क्योंकि इस नेक की चौड़ाई 6.7 इंच है। कुछ लोग फ्रेंड्स देखिए नेक की लंबाई कम पहनना पसंद करते हैं, कोई 5 इंच, कोई 4 इंच, कोई 6 इंच, तो आप अपने हिसाब से आप उसकी लंबाई ले सकते हो। इसकी चौड़ाई के हिसाब से, नेक की चौड़ाई के हिसाब से मैंने इस कुर्ती की कटिंग की है। नेक की चौड़ाई है, गले की, नेक के गले की चौड़ाई है 6.7 इंच, तो इसकी लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे और हमने ये एक प्लेन इसी एक मैचिंग का कपड़ा लिया है जो 10 इंच चौड़ाई है इसकी और लंबाई भी इसकी 10 इंच है। पहले हम सेंटर का मार्क करेंगे, ये देखिए, ये ऐसे फोल्ड करके, ये देखिए ऐसे है, और ऐसे फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क करेंगे, से छोटा सा कट लगाएंगे, ये देखिए छोटा सा हमने कट लगा लिया है। अब हम इस पे सेंटर को मार्क करेंगे, ये है, होल्ड करके सेंटर पे थोड़ा सा कट लगा लीजिए, ये देखिए इस पे भी मैंने कट लगा लिया है। अब हम यहाँ पर रख के नीचे रखेंगे इसको, और इस नेक को सीधा नीचे होगा और उल्टी साइड हम स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने मार्क किया था कटिंग वाला, ये देखिए इससे इससे ऐसे मिला के सेट करना है, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम सेंटर में है। इसको मार्क करने से ही सेंटर का पता चलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क, 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, मुझे यहाँ तक स्टिच करना है, इसके नीचे नहीं जाना है। आपको लंबाई जितनी लेनी है उस हिसाब से आप मार्क कर लीजिए, जैसे आपका नेक बड़ा ना बनने पाए। ये देखिए, अब हम इसको सेंटर पे स्टिच, पहले सेंटर पे स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेंटर पे हमने स्टिच कर लिया है, इसको कट करके निकाल लेंगे। ये स्टिच करने से आपका नीचे का कपड़ा इधर उधर नहीं भागेगा, एक जगह ये सेट हो जाएगा। अब इसके नेक के अकॉर्डिंग हम स्टिचिंग शुरू कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको अपने मार्क के आगे नहीं बढ़ना है, जितना आपने मार्क किया है उस हिसाब से आप स्टिचिंग करेंगी। अब कट करके निकाल लेंगे। मैंने स्टिच कर लिया है, यहां से गला बड़ा नहीं सिलना है तो मैंने ऐसे स्टिच कर लिया। ये आगे 9 इंच तक इसकी आगे गहराई है, इसलिए मुझे ज्यादा गहराई नहीं देनी है। अपनी लंबाई, नेक की लंबाई के हिसाब से आप अपनी स्टिचिंग करिएगा, जितना आपको नेक गहरा चाहिए उस हिसाब से आप अपना घटा सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, उस हिसाब से स्टिचिंग करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टिचिंग कर ली है, अब इसको हम कट करेंगे। देखिए, 1 पॉइंट हमको छोड़ के कटिंग करनी है, ये देखिए, सिलाई के ऊपर नहीं करनी, थोड़ा सा आगे बढ़ा के कटिंग करनी है। ये देखिए, से आप पूरी कटिंग कर लीजिए नेक की,
स्टिच किया है उसको छोड़ते हुए आपकी जो स्टिचिंग लाइन है वो कटने ना पाए। ये देखिए ऐसे कट लगाना है और सेंटर में बीच में ऐसे करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे कट लगाते हुए हम इसको फोल्ड कर देंगे। कट लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए ऐसे कट लगाते हुए आगे, ये देखिए इसको अब अंदर की तरफ ले जाएंगे। जो हमने कपड़ा आगे रखा था अब उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए ये कपड़ा अंदर से पूरा अच्छे से सेट हो गया। कट का निशान आप जरूर लगाएं जब आप कुर्ती सिलें, तो जब आप गले में अटैच करें कोई भी कपड़ा फोल्ड करते समय उसको कट का निशान लगा के ही फोल्ड करें। अब हम नेक पे सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से सेट करते हुए खींचते हुए कपड़े को अंदर से, नीचे से आप कपड़े को खींच लेंगे तो पूरा नेक सेट हो जाएगा। ये देखिए हमारा नेक एकदम तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नेक हमारा बाहर से एकदम तैयार हो गया। अब हम पीछे की तरफ जो हमने कपड़ा लगाया था, ये देखिए ये ऐसा है। अब इसको हमें नेक के अकॉर्डिंग ऐसे शेप देना है, कट करके शेप देना है। ये देखिए थोड़ा बढ़ा के शेप देना है क्योंकि इसको अभी हमें फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम, ये देखिए इसमें हम एक इंच पे ऐसे मोड़ के यहाँ पे हम कच्ची सिलाई कर देंगे और इसके बाद हम इसमें तुरपन इसमें करके फिर वो कच्ची सिलाई को खोल के निकाल देंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो पहले हम इस पे ऐसे मोड़ते हुए कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम बाद में खोल देंगे। ये देखिए इस पूरे नेक पे हमने कच्ची सिलाई लगा दी है, जो हम तुरपन करने के बाद इसको खोल देंगे और फिर बाहर फिनिशिंग इसकी परफेक्ट आएगी। ये देखिए ये जो सिलाई जो जा रही है इसको हम यहाँ पर तुरपन करने के बाद इसको खोल देंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इस पे तुरपन करेंगे। ये देखिए यहां से थोड़ा सा लेते हुए इसको, ये देखिए ये उठाया और ऐसे पूरे नेक पे हमें तुरपन करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे नेक पे जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी वो हमने निकाल ली है। ये देखिए अब ये देखिए हमारी कुर्ती में पूरे नेक पे हमने तुरपन की है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक रेडी हो गया है। ये देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। नेक पे हमने जब सिलाई लगाई थी अंदर से कट लगाया, कट लगा के जब हमने अंदर फोल्ड किया तब ये देखिए एकदम अच्छी फिनिशिंग आई है। पूरी अंदर अच्छी तरह से ये सेट हो गया और फिर हमने नेक पे सिलाई लगाते हुए फिर यहाँ पे मैंने फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगाई। ये देखिए कच्ची सिलाई लगा के तुरपन करने के बाद कच्ची सिलाई जो हमने लगाई थी वो हमने निकाल दी। अब
ये फिनिशिंग हमारी देखिए एकदम परफेक्ट है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर अगली अगली वीडियो में मैं आपको कुर्ती को स्टिच करना बताऊंगी, कैसे इसको स्टिच किया जाता है और इसकी चाक कैसे सिली जाती है। फ्रेंड्स तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।